यूनिस इमरे का तो आपने नाम सुना ही होगा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे और शायर भी थे। उसकी सीरीज भी चली थी TRT पर, जो कि उर्दू डबिंग में टीवी पर बनी हुई थी, आप सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यूनिस इमरे का एक नज़म है जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। यूनिस इमरे कहते हैं, अगर तुम दिल शिकनी करने पर मुतमिन हो तो फिर तुम्हें नमाज की क्या ज़रूरत है। दुनिया की सारी मखलूक मिलकर भी तुम्हारे गुनाह नहीं धो सकती। दरवेश आते हैं और चले जाते हैं, कारखाना है दुनिया में से ही चलता रहता है। वो हवाओं में ऊंचे से ऊंचे उड़ते हैं क्योंकि वो हुमा परिंदे हैं, काज नहीं। ये जान किसी की अमानत नहीं सवाए हक के, कदम भी उसी के जो उसके राह पर चलते हैं। ऊपर भी वही नीचे भी वही, सो उसे देखने को निगाह ऊपर क्या उठा। मुनकर हो या मदई वक्त ही को शुमार करते हैं। उसे किसी खलियां में ले जा छोड़ो, वो जो किसी का भी आशिक नहीं। अगर तुम सही राह पर रहे, हर नफ्स का एहतराम करते रहे और खैर के इमार किए, तो समझो नया पार तुम्हारे। यूनिस के ये लब ऐसे हैं गोया जैसे शहद आमेज मक्खन, और ये खल्क को बेनसदूर कह गया वो सब क्यों रास्ता। यूनिस इमरे, इस नज़म में हमें जो सबक मिलता है कि हमें अपने नफ्स पर काबू करना चाहिए। नमाज तो हर हाल में पढ़नी है, लेकिन हम नमाज पढ़ते गए 5 वक्त की आज बना बनाए। अगर हमारे दिल में दिल शिकनी रह गई, नफरत बोक्स कीना ये ख़त्म नहीं हुआ इंसानों के लिए, तो ऐसी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान को पहले, सबसे पहले अपने नफ्स को मानना चाहिए और हर किसी का एहतराम करना चाहिए और अल्लाह को सच्चे दिल से याद करना चाहिए। यही कहना चाहते हैं यूनिस इमरे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।